बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के उदयपुर जिले के धान मंडी थाना क्षेत्र में दर्ज कन्हैया लाल के दिन दिहाड़े धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस घटना के वीडियो में बदमाश उस पर धारदार हथियार से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि कन्हैया लाल साहू की धान मंडी क्षेत्र में दर्जी की दुकान है, वहां दो व्यक्ति हथियार के साथ अंदर आए और दो व्यक्तियों में से एक ने धारदार हथियार से टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद स्थानीय बाजार बंद हो गए हैं, इंटरनेट सेवाएं को भी बंद कर दिया गया है। वहीं अब तक पुलिस ने इस हत्या में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एजेंसियों की माने तो एजेंसियों की ओर से यह शक जताया जा रहा है कि रियाज के आईएस ऑपरेटिव होने का शक एजेंसियों की ओर से जताया जा रहा है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, कन्हैया लाल की हत्या से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया था और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कन्हैया के शरीर पर 26 बार वार किया गया है, कन्हैया के शरीर को 13 बार काटा गया है, ये बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। साथ ही साथ कन्हैया की गर्दन को रेत कर अलग किया गया है।